ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। पूजा करने वाले व्यक्ति के दिमाग में एक सवाल अवश्य आता है कि साधना क्या होती है और भक्ति क्या होती है। तो भक्ति किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। जब आप साधारण पूजा करते हैं, साधारण पूजा में आप पंचोपचार पूजन करते हैं, सबसे पहले आप पवित्रीकरण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, आचमन करते हैं, भगवान का पंचोपचार पूजन करते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा पूजा करते हैं, स्रोतों का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी भक्ति में गिनी जाती हैं। और क्या होता है, जैसे आप दिन में भजन कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, कोई अच्छी 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 बातें सुन रहे हैं किसी महात्माओं की, या सत्संग में जाके जो आपके गुरु रहते हैं उनकी बातें सुन रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी को किसी गलत दिशा में ना लगा के सही दिशा में लगा रहे हैं, या आध्यात्मिक रूप से आप अपनी उन्नति कर रहे हैं, तो ये भक्ति कहलाती है। भक्ति में आप साधारण पूजा करते हैं। अभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन आस्तिक होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, भगवान को मन ही मन मानते हैं, भले वो पूजा पाठ ना करें। आपके घर में भी ऐसे व्यक्ति होंगे, आपने देखे होंगे, आसपास भी देखे होंगे, तो वो सारे भक्त कहलाते हैं, भगवान के भक्त। अब जैसे दिन में आप बैठ के भगवान का नाम जप रहे हैं, तो आप भक्ति कर रहे हैं, तो ये हो गए भक्त। अब साधना क्या होती है, साधना कैसे कहते हैं। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो भक्ति के मार्ग पे चलते चलते आप साधना तक पहुंच जाते हैं। बिना भक्ति के मार्ग पे चले आप साधना तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण क्या होता है, जैसे आपने कभी भगवान की पूजा करी नहीं, कभी कुछ नहीं किया, कभी कभार भी नहीं की, उसके बाद आपने वीडियो पे या कहीं पे भी कुछ साधनाएं देखी, जैसे कुछ लोगों का आकर्षण अप्सरा साधना के प्रति रहता है, उन्होंने उसके बारे में जाना कि इसके क्या फल होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, और जिज्ञासावश वो साधना शुरू कर दी, लेकिन कभी उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया, तो ऐसे में क्या होगा कि जो नकारात्मक शक्तियाँ तो वो बहुत जल्दी खिंचाती हैं, क्योंकि आपके पास में उनको रोकने के लिए कोई ढाल नहीं है। वो ढाल कैसे बनती है, वो भक्ति के रास्ते से बनती है। जब भक्ति के रास्ते से गुजरे होते हैं, तो आप अपने तरफ एक शील्ड जैसी बना लेते हैं, एक ऑरा, ऐसे ऑरे का निर्माण कर लेते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको जल्दी से परेशान नहीं कर सकती, जल्दी से आपकी हानि नहीं कर सकती है। तो इस तरह से आप भक्ति करते हैं, तो भक्ति का जो मार्ग है उसी मार्ग पर चल के आप साधना तक पहुंचते हैं। और साधना किसे कहते हैं, साधना का अर्थ होता है साधना, मतलब किसी देवी देवताओं या किसी शक्ति को साध रहे हो, साधने का अर्थ यह होता है, तो साधना हम इसे कहते हैं। जैसे आप भैरव बाबा को साधना चाहते हो, उनकी सिद्धि करना चाहते हो, आप हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते हो, आप माँ काली की सिद्धि करना चाहते हो, आप भगवान भोलेनाथ की सिद्धि करना चाहते हो, या जो इत्र योनि की साधनाएं होती उनमें आप सिद्धि करना चाहते हो, तो आप कोई भी जब सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, उनको साधना चाहते हो कि आप चाहते हो कि वो आप उनसे कुछ काम करवा पाएँ, या जब भी आप चाहें तो वो प्रकट हो जाएँ, जब भी आप चाहें तो वो आपकी बात सुने, आपको ज्ञान दें, जो भी इच्छाएं होती हैं, वो सिद्धि प्राप्त करने का जो रास्ता होता है वो साधना का रास्ता होता है। तो साधना का रास्ता हम भक्ति से चल के ही पहुंचते हैं, तो उसे साधना कहते हैं। साधना, जब भी आप साधना करते हैं तो आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक ही समय पे किया जाता है। जैसे पूजा पाठ है, पूजा पाठ में कभी कभी समय बदल भी जाता है, जैसे समय की व्यस्तता के कारण आप एक ही समय में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कभी सुबह पूजा कर ली, कभी 10 बजे कर ली, कभी 9 बजे, कभी 7 बजे, जब भी आपको समय मिला आपने पूजा कर ली। शाम के समय जैसे आपने शाम को 7 बजे दीपक जला दिया, कभी समय नहीं मिला तो 8 बजे दीपक जला दिया, तो ये भक्ति हो जाती है। और साधना में क्या होता है, जो नियम होता है वो नियम से ही हर चीज़ करनी पड़ती है। अगर आप शाम को 7 बजे कर रहे हैं, या 9 बजे कर रहे हैं, रात में 10 बजे कर रहे हैं, या ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं साधना, तो उसी समय की जाती है, एक ही समय पर की जाती है। और भक्ति में क्या होता है कि बहुत सारे नियम नहीं चलते हैं, लेकिन साधना में सारे नियम चलते हैं। जैसे आप जहाँ साधना कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए, आपका जो साधना स्थल है वहाँ पे शोर शराबा नहीं होना चाहिए, एकांत स्थल होना चाहिए, जो सामग्री लगती है वो सामग्री लगती ही लगती है, उसमें किंतु परंतु बट नहीं चाहिए, और जहाँ पे माला आपको स्फटिक की लेनी है तो स्फटिक की ही माला चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ रुद्राज की माला इस्तेमाल कर लेंगे, या हकीक की माला इस्तेमाल कर लेंगे, या कमलगट्टी की माला इस्तेमाल कर लेंगे। जहाँ पे जो जो माला चाहिए, जो जो सामग्री चाहिए, वो सामग्री
सामग्री आपको साधना में लगती ही लगती है, तभी आप किसी भी शक्ति को सिद्ध कर पाते हैं। और आपकी शक्तियाँ आपका साथ देने लगती हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलने लगता है। जब आप साधना करते हैं, साधना में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा द्वार खुलता है जहाँ से शक्तियाँ आती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भक्ति के मार्ग से आपको साधना तक पहुंचना चाहिए। अगर आप भक्ति के मार्ग से साधना तक नहीं पहुंचेंगे तो कुछ नकारात्मक शक्तियां भी आती हैं। नकारात्मक शक्तियां आएंगी, वो आपके आसपास, वो भी चाहती हैं कि उनको कोई सिद्ध कर ले। लेकिन आपने सुना भी होगा कि सभी कहते हैं कि साधना कर रहे हैं, आप इनको साधना चाहते हैं, आप उनको साधना चाहते हैं, तो आप गुरु के सानिध्य में करिए। बिना गुरु के सानिध्य के आप साधना मत करिए। उसका कारण भी यही होता है कि जरूरी नहीं कि जिसकी आप उपासना कर रहे हैं वही शक्ति आपके पास आए। हो सकता है आपके मंत्र में कुछ त्रुटि हो गई हो, हो सकता है कि कोई दूसरी शक्ति खींच रही हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने कभी इसका अभ्यास तो किया नहीं है, या आपके अंदर इतना तपोबल तो है नहीं, या आपके अंदर कोई तीसरी शक्ति तो है नहीं, या त्रिनेत्र तो नहीं खुला है, या आपकी कोई अलौकिक शक्ति नहीं जिससे आप पहचान सकें कि हाँ ये कोई नकारात्मक ऊर्जा, ये वो शक्ति नहीं जिस शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं। इसलिए गुरु का सानिध्य आवश्यक होता है, गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। सही गुरु मिलना भी बहुत जरूरी हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी गुरु बना लें। गुरु एक ऐसा होता है जो आपको सदमार्ग दिखाता है, आपको सही रास्ते पर ले जाता है और आप सिद्धियों तक पहुँच पाते हैं। तो ये हो गई साधना। इसी तरह से साधना हो गई, इसी तरह से आप अगर बात करेंगे कि भक्त कौन होता है और साधक कौन होता है, तो जिस तरह से भक्ति और साधना का अंतर है, उसी तरह से भक्त और साधक का भी अंतर है। जो व्यक्ति पूजा पाठ में लीन रहते हैं, जो धार्मिक कर्मकांडों में लीन रहते हैं, जो प्रवचन सुनते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, वो सब भक्त कहलाते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं। और जो साधनाओं में लिप्त रहते हैं, जो साधनाएं करते रहते हैं, भगवान को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, शक्तियों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, वो सभी साधक कहलाते हैं। साधक जो होते हैं उनका जो जीवन होता है वो विलासतापूर्ण नहीं होता है। भक्त का जो जीवन है विलासतापूर्ण हो सकता है, लेकिन साधक का जीवन बहुत ही साधारण होता है। वो उसका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी वो अपनी साधना में लगाते हैं, भगवान को या किसी देवी देवताओं को या किसी इत्र योनि की शक्ति को सिद्ध करने में लगाते हैं। तो ये अंतर होता है एक साधना में और भक्ति में, और इसी तरह से साधक में और भक्त में। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।